पता चलिया कि चौल साडे ले पक्कू हैगे ने। मोनो बिल्ली विच गोश्त भी पाना हैगा तेरे वास्ते, ठीक है ना? खिलावांगे तेनू। हाँ ठीक है ठीक है, कह रही ठीक है। ते किन्नियां बोटियां खानियां ने? एक के दो? ज्यादा? अच्छा, ज्यादा ठीक हो गया। मिल और जी, देगा आ गई हसन तां ही खड़ा सी देगा वेख के जावा। और बाकी जी, दूसरी देग भी आ गई हैगी, राजा साहब नाल चले ने हसन दे, उदो मुरब्बे वगैरह और जेड़ा समान दूसरा। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है? मैं तमाम बना भाई ठीक ठाक हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ जी। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह, अज इस स्टाल लाया है बाहर कट के, तुसी देखो। ए देखो, ए मतलब है ना, दरवाजा रखने का और दीवार करने का फायदा है कि ए दुकान और ए दुकान इन बिल्कुल दरवाजे मैच आए गए ने। देखो इधर जावे तो सब कुछ जेड़ा ना इतने अवेलेबल मिलेगा सारे, यानी कि ना जुतियां का स्टाल अलग लग गया, सब तो पिछे जुतियां का स्टाल लाया। देखो सही लग रहा, बहुत प्यारा, कमेंट से जरूर दस्या जे। और बाकी एक कपड़ियां का स्टाल अलग लग गया बच्चियां दे, बड़ियां औरतों दे, यानी कि लेडीज जेंट्स। ये देखो अगे अलग अलग, ये मतलब गुड़िया वगैरह ही नाल ही इन्हां दे कपड़े ही इत्थों ही मिलणगे। ठीक हो गया। तो ये रात नूं हसन और लैके आया सी साई वालों वाले सूट जिहड़े हैगे ना, ये यानी कि ना हैगे ने रेडीमेड, ये रेडीमेड सूट हैगे ने 10 लैके आया सी ये वाले। और बाकी ये आले तुसीं खुले खिलौने तो पहले देखे हुए ने। बाकी ये आलियां फिराकां भी इत्थे टंग दित्तियां अनार दे नाल, उपर अनार लगे खुलते ने। यह देखो अनारां दे नाल ही रल गईयां हैगियां ने, यही कलर इन्हां दा हैगा। ये फुल लग गए इस तरह रहन जिस तरह नकली होंदे ने बिल्कुल। फिराकां लगियां ने या बूटे ते? हसन कह रहा है फिराकां बूटे ते लगियां हैगियां ने। बाकी माशाल्लाह अनार भी फल चक्की जा रहे हैं, देखो कितने फल, यानी कि ना प्यारा प्यारा फल लग रहा है मुकम्मल। और देखो इत्थे साडी दुकान हैगी और अगे ओपन एरिया माशाल्लाह। और ये वाला थले सोलंग जिहड़ा ना पटके दी इट्टा सारियां इत्थे बर्थी पवा के ते उच्चा करावांगे ताकि ये सानू खूबसूरत लगे और दिखण चीज़ा ही दिखण। हुण थलों चीज़ा नहीं दिखदियां हैगियां, चल के तुहानू दिखाने थलों। असां ने पानी छिड़क दिता माशाल्लाह, वाह रौनक लाती हैगी क्योंकि गट्टा उड़ रहा सी, समान पिया ना, समान दी वजह नाल गट्टा उड़ रहा सी, तां करके असां ने पानी छिड़किया हैगा। और बाकी जुतियां का स्टाल बड़ा खूबसूरत लग रहा, कपड़े का अलग अलग अलग, और चूड़िया का तुम चूड़िया तो पहले देखी है लेकिन दिखा दिए। एक साइड से टोटल चूड़िया है एक साइड से, और एक साइड से खिलौने है। बाकी ये सूट है सारे तौर तीकर कपड़े और ये जुतियां। और ये देखो कल आई फिर विलाग आप बंद करता से विलाग, उदो टाइम नहीं हैगा सी, कितने तीकर पहुँच गया मिस्त्री। अज जुमा तुल मुबारक है। और एक होर भी बड़ी गुड न्यूज़ है बाद तुम दसने, पहले थले लोग तुम दिखा लिए। और ये देखो इतने तीकर ही होगा क्योंकि इतने अगे फिर कोला बनेगा, तो उस नुक्कर ते कोला बनेगा, फिर बेच गेट लगेगा, बड़ी खूबसूरत जगह हो जानी माशाला अल्लाह के हुक्म नाल जी। अल्लाह के हुक्म नाल काम होंगे है जेडे, और असं सोचा भी यी इटा इतने एडजस्ट करिए, लेकिन इतों वास्ते होर लै लाँगे इंशाला अल्लाह गुंजाइश देगा। तो यी जी जरूरी हैगी सी परती करनी क्योंकि इधर समान हो गए इस तरीके हाल जो होंदा ना मुकम्मल, तो फिर ए सही नहीं लगने सी, फटे इंज खिलरे जे लगने सी। बस ये अचानक ही आइडिया आया जेहन दे विच, ते तदे करके असी ये स्टाइल बना लिया है। हुण इत्थे देखो ना, इत्थे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो इधर इस तरीके या ही दाखिल होवांगी, कमरे तो कमरा है। ये देखो मुकम्मल कमरे तो कमरा है, सब कुछ इन दे विच है, जिस तरह कि दुकान दे विच अलमारियां हैगियां ने, सोहनी लग रही है जी। इधरों मतलब है दीवार काट दिए तो यह सही नहीं लगनी हैगी, तदे करके हुण आह दीवार ना हो ते गिराज नाल मिक्स हो जाए तो खुली खुली किस तरह सही नहीं लगनी हैगी। इस तरीके असीं दोवें दुकानां नाल अलग अलग बना रहे हैं इंशाला। सब्जी हाँ, सब्जी दुकान काका अलग हैगी अपनी। और बाकी जी ये आली बन्नी कल मैं खुद पलस्तर की हैगी, मिस्त्री तो नहीं है पर मिस्त्रियों को रह रह के माड़ा मोटा वल आ गया है। ते क्योंकि खाली इट्टा पईयां सी उत्ते विच, मतलब इन्हें सफेद दित्तियां सी जदों कच्चा कीता सी, ते उत्ते बुरियां लग रही सी, ते मैं माड़ी माड़ी सीमेंट लाती। बाकी गुलाब भी अपने माशाल्लाह बड़े खिल रहे ने प्यारे प्यारे, ये देखो एक दो पौधे हैगे ने, ते अल्लाह इन्हां तरक्की देवेगा इंशाल्लाह। नहीं वड्डे भी लिया के लावांगे इंशाल्लाह ना, चक्कर लगदा कितरे। अल्लाह जी हसन ज्यादा ना छिड़क बस कर, हथ पर गिरणगे बच्चे। बाकी जी गुड न्यूज़ यह हैगी कि माशाल्लाह जुमातुल मुबारक है, मिस्त्री की भी छुट्टी हैगी और अज अफतारी कराने लगे है मिठे चौलों की देग और सलूने चौलों की देग, यानी कि ना दो, एक बिरयानी देग और एक मिठे चौलों की देग इंशाल्लाह उतार के
ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡੱਬੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਨ ਡੱਬੇ ਵੀ ਹਾਂ ਡੱਬੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਇਫਤਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਸਲਾਮਤੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਮੰਗਵਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਦਰਕ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਲਸਣ ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਧਨੀਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਘੀ ਵਗੈਰਾ ਚੌਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੌਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 450 350 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਲ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਰਹਿਤ ਹੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਪਏ ਨੇ 340 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਚੌਲ ਨੇ ਇਵੇਂ ਮਿਹਣ ਕੇ ਮੱਖਾ ਮਿਹਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਰੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾ ਲਿਆ ਸੂਟ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਅਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਲਿਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ 1800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ 1800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ 1 2 3 4 ਸਫ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਫਟ ਐਪ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਟੇਪ ਪੈ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲੀਨ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਰਾਂਡਾ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਂਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਲੀਨ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਫਟ ਐਪ ਹੈਗਾ ਮੁਸੱਲਾ ਟੈਪ ਹੈ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਹੋ ਗਏ ਇਜਾਦ ਬਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਆਪਦਾ ਹੋ ਗਈ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਵਾਂਢ ਗਵਾਂਢ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨੇ ਪੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਬਾ ਅਦਬ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਬਿਆਸਨ ਮੈਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਆਉਂਦਾ ਨਾਈ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਘਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਜੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹਜਾਮਤਾ ਕਰਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਡਾਜ ਕਸਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਜਾਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਲਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇ 2 ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਦੇਗਾਂ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਹਲੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਜੀ ਸਟਾਲ ਲਾਂਦੇ ਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਜੀ ਅਸਲ ਬੇਟਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੁਰੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਵੀ ਔਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਦੇਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 5:30 ਵਜੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਜੀ ਔਰ ਜੀ ਦੇਗਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਸਨ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਦੇਗਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਗਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਅਮੀਰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਘਰੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇਗ ਚਲੋ ਚੱਕ ਲੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਔਰ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੀ ਦੇਗ ਚੱਕਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਹੁਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਗ ਉਹ ਰੱਖ ਗਿਆ ਹੈਗਾ
बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और भैणा भाइया नाल ना रहना है, ये विलाग ना खत्म करना पेगा अपन अफतारी तो पहले पहले इंशाल्लाह। दूसरा विलाग से जरूर वाच करना है, दूसरा विलाग अपना आएगा रात को राइट 8 बजे इंशाल्लाह, और बहुत ही मजेदार होना दूसरा विलाग से मुकम्मल वाच करना है और देखना है अफतारी की रूटीन। और बाकी जी देख दे विच्चे ही कड़ छपा ता सा नासा नगे हिलांदा भी रहा है, ते माणो बिल्ली नाल ही आके बैठ गई है। माणो बिल्ली ने पता चलिया है कि चौल साडे ले पक्कू है गए ने। माणो बिल्ली विच गोश्त भी पाना हैगा तेरे वास्ते, ठीक है ना, खिलावांगे तैनू। हाँ ठीक है ठीक है, कह रही ठीक है। ते किन्नियां बोटियां खानियां ने, एक दो ज्यादा? अच्छा 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 ज्यादा, ठीक हो गया, मिलनगियां मिलनगियां। 4 किलो लिया, 2 किलो तैनू खिला देंगे। उठ गई। बाकी असन पहले ना एस एस के लांदा रहा, कहना ना ही एस के लांदे है ने, क्योंकि असन नु खुशी बहुत है ज़्यादा हैगी। तदे करके खुशी हैगी कि साढ़े लिए फर्स्ट टाइम ना अफतारी यानी कि हो रही हैगी। बाकी पहले करवाते होंगे सी मस्जिद दे विच ना, मतलब फ्रूट वगैरह लैके ना ते तकसीम कर देंदे होंगे सी, ते फर्स्ट टाइम साढ़े लिए अफतारी इस तरीके हो रही है। बाकी फ्रूट लैन की कोशिश करने इंशाल्लाह, फ्रूट भी लैके आना है, फ्रूट भी नाल ना इंशाल्लाह अफतारी दे रखांगे जरूर, क्योंकि फ्रूट खजूर सब कुछ जिहड़ा ना जितना माशाल्लाह हो सके इंसान को करना चाहिए, क्योंकि सवाब है और अल्लाह पाक अंदाजर देता है माशाल्लाह। और बाकी जी दूसरी देख भी आ गई हैगी, राजा साहब नाल चले ने असन दे, उदो मुरब्बे वगैरह और जिहड़ा समान दूसरा हैगा अपना लकड़ा वगैरह वो सारा लैके आते हैं। बाकी जी असन बेटा ते राजा साहब दोनों चले गए हैगे ने, लकड़ा भी लैके आएंगे, मसाले भी और मुरब्बे भी और फ्रूट भी सारा असन बेटे ने किया है, केले के लूंगर भी लै लवी, सेब भी और नाल खजूर भी। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह पहुँच जाते हैं। और बाकी जी मौसम बहुत खुशगवार हैगा, देखो फुल ठंडी हवा चली हुई हैगी, जिस तरह साइडा ते बारिश वगैरह हुई होंगी ना इस तरीके ठंडी हवा चली हुई हैगी, और बदल भी इतने ज़्यादा नहीं है, यानी कि ना बिल्कुल चाड़ चाड़ बनया होगा, जिस तरह ना नमी नमी जी बनी हुई हैगी, ज़्यादा गर्मी नहीं हैगी, बड़ा खूबसूरत मौसम हैगा। अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह, ते अफतारी भी अल्लाह पाक खैर सलामती कराओ, कि बारिश वगैरह ना आ जाए तो फिर दूर दराज जेड़े आना ना अपना यूट्यूबर भी होए और फैमिली मैंबर भी ने अपने, बाजी आपदा होगी बाजी नहीं होगी उन्होंने तो फिर अबू जी तो चल इतों आना सड़क तो, सड़क पर उतर जाना है क्योंकि उन्होंने कच्चे रस्ते है। बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। बाकी हकीकत है खुशी की इंतहा नहीं है माशाल्लाह। बाकी जी माशाल्लाह माशाल्लाह खुश होना भी चाहिए है, और हकीकत है खुशी की इंतहा नहीं है, क्योंकि रोज़े अफतारी करा रहे हैं, बहुत हकीकत खुशी हैगी, क्योंकि सोचा भी नहीं सी भी इस तरीके दो देगा उतार के ते असी अफतारी करावांगे, ये सोचा सी भी मतलब है ना फ्रूट या खजूर वगैरह मस्जिद गलावांगे इंशाल्लाह, यानी कि 17-18 रोज़े नू अजकल दे विच भी भेजनियां हैगियां सी, लेकिन माशाल्लाह हुण डबल डबल खाने भी जाएंगे, फ्रूट भी जाएगा माशाल्लाह, खजूर भी मस्जिद के और आवानियां गुआढ़िया पड़ोस वाले जो रोज़दार उन्होंने अफतारी हो जाएगी, और घर के जो फैमिली मैंबर ने उन्हों की अफतारी हो जाएगी, और खुशी का समान भी बन जाएगा, क्योंकि सारे बहना भाई और अम्मी अबू सारे इकट्ठे होवेंगे माशाल्लाह। और बाकी इतने व्डे पौधे फुलों के लाए हुए ना गुलाबों के, तो माशाल्लाह इतने तिकर आएंगे बड़े खूबसूरत लगेंगे फुल भरे हुए इंशाल्लाह, लैके आवेंगे जो शहर गए ना तो लाजमी लैके आव। और जी अगे काफ़ी रश हैगा सी, 3-4 माइया आईया है ने और खरीदो फरोख करके लै गई ने, जुतियां भी 2 बच्चिया सेल हो गई ने माशाल्लाह, और 2 सूट ही लै गई उन्होंने, आले फोले ही पाए ने उस तरीके, ते बेगम अंदर गई हैगी पैसे रखन। बाकी माशाल्लाह बड़ा सोहना सैटअप हो गया, और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सेल हुई हैगी, ये देखो माशाल्लाह क्या बात है, चूड़िया ही विकिया है इतों, इन्हें भी सेल हुई ने, इन्हें भी सेल हुई है, इन देखता पैसे उधर बच्चे लैके जा रहे हैं माशाल्लाह। और हकीकत है बाकी थले आले और काफ़ी जेडे पुराने यानी कि दुख है गए सी ना वो सारे भुल गए है ने, हकीकत बड़ी तकलीफ दे साडे ते मनाजर और टाइम रहा है हकीकत है जेड़ा सी शेयर ही नहीं कर सकते है। बाकी अल्लाह पाक जिस तरह मतलब है ना कहते हैं मतलब जी लफज हैगा सी मुश्किल, हर मुश्किल तो बाद हकीकत आसानी पैदा अल्लाह पाक करता है, और हर मुश्किल का डट के मुकाबला करना चाहिए ना कि मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक इंशाल्लाह जितनी मुश्किल होवन अल्लाह पाक आसान करता है, और मुश्किलों तो बाद आसानियाँ पैदा करता अल्लाह पाक, वो वादा उल्ला शरीक जात हैगी, उनके ते सिर्फ भरोसा और ईमान होना चाहिए अपना। और जी वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहिंदा हैगा, क्योंकि हर विलाग दे विच तुसीं देखते होंगे हो, मैं हर बंदे ने यही गल जिहड़ी है ना दसदा हैगा
कि हर मुश्किल तो बाद आसानी आती हैगी और हर मतलब है ना जिहड़े मतलब है बुरा वक्त होंदा है उन्दे तो बाद अल्लाह पाक आसानियां पैदा करता है। अल्लाह पाक सब ते आसानियां पैदा करे क्योंकि साडियां दुआवां हर इंसान दे नाल हैगियां ने। खास तौर पर जिहड़े मेरे वीवर हैगे ने मेरे नाल प्यार करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत ही मुहब्बत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हकीकत है। क्योंकि इस तरीके कोई मतलब है ना यूट्यूबर है, मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ता रहना भी छोटे छोटे कमेंट्स करते है तो मेरे लिए बहुत वड़े वड़े कमेंट्स करते हैं और बहुत ही प्यार मुहब्बत भरे कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंसान उही होंदा है जिहड़ा मुश्किल हालात दे विच जिहड़ा इंसान इंसान का मतलब साथ देवे ना तो उन्हें हर दम याद रखे वो असल इंसान होंदा है तो उन्दे च इंसानियत होंदी है। काफ़ी लोग ने जिन्हां दा मतलब है ना तुसी चलो मुश्किल हालात दे विच ते वो मतलब जो अल्लाह पाक उन्हें आसानियां पैदा करे तो फिर वो तुहानू छोड़ देंदे हैगे ने, कहंदे ने उदों मुश्किल हैगी सी तेने माड़ा जिहा साथ दिता हैगा, अल्लाह जिहड़े मैनूं तू पैसे दिते सी आ फड़ अल्लाह आपदे, या मतलब कोई गल हुंदी है इस तरीके मतलब है ना वो पेश आते हैं। तो इस तरीके अस्तगफुरुल्लाह नहीं पेश आना चाहिए, हर दम मरदे दम तिकर आखिरी दम तिकर उन्हां दा एहसान मंद रहना चाहिए, भावें कोई चीज़ वापस लवे भावें ना लवे, क्योंकि मुश्किल हालात दे विच तुहाडे कंधे नाल कंधा मिला के खड़े होने वाला असल इंसानियत उन्दे च हुंदी है और असल प्यार मुहब्बत करन वाला इंसाना नाल वह बंदा हुंदा है। तो उन्हूं कदी जिंदगी दे विच खोण की कोशिश ना करो, उन्हूं पाई रखो और उन्दे नाल प्यार मुहब्बत इतना करो कि उन्दा दिल चाहे कि जिंदगी विच इंसान मिलिया तो मैनूं यही मिलिया है। और जी एक बार फिर रिपीट तुहानूं कर देवां कि रात 8 बजे वाला विलाग तुसीं बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मुकम्मल वाच करना है क्योंकि वह होना है अवतारी का और सारी यूट्यूब साडी फैमिली का होना है, बिल्कुल इकट्ठे होवांगे सारे और माशाल्लाह प्यार मुहब्बत देखिया जी क्या बात है। अल्लाह पाक हर इंसान नूं इसे तरीके प्यार मुहब्बत करन दी तौफीक देवे। हकीकत असी बड़े खुश होंदे आ जदों असी इकट्ठे होंदे आ ना, तमाम भैणा भाई अबू अम्मी और साडी सारी फैमिली इकट्ठी होंदी, असी सब वास्ते दुआवां भी करने आ और हकीकत खुश भी बहुत ज़्यादा होंदे हैगे आ। और इसे तरीके तुसीं भी अपने घरां दे विच एक दूसरे नाल प्यार मुहब्बत कीता करो, भैणा भाइयां नाल, रिश्तेदारां नाल और मतलब खास तौर पर तुहाडे जिहड़े ये मतलब ना पड़ोसी ने पड़ोसियां नाल बहुत ज़्यादा प्यार कीता करो, क्योंकि ये अल्लाह पाक दे नबी दा फरमान हैगा कि पड़ोसियां दा पहले ख्याल रखो उस तो बाद तुसीं अपना ख्याल रखो। बाकी इंशाल्लाह असन लैण गए होया समान समून सारा ते आंदे ने ते फिर देखने आ कि अवतारी जरूर करानी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इस तरीके नहीं छड़ाने है कि रोजे मतलब अफतारी कराने असी माशाल्लाह बोतलां जिहड़ी नसन लैन गया 2 पैट बोतलां दे होणगे, सारा फ्रूट होवेगा माशाल्लाह और देगां होणगियां 2 मिठियां दियां और बिरयानी होवेगी एक, ठीक है ना, 2 देगां होणगियां माशाल्लाह, बड़ा प्यारा इंतजाम करांगे और डब्बे आ रहे हैगे उन्हां दे पैकिंग करके मस्जिद ते देवांगे, आंढ़ियां गवांढ़ियां नूं देवांगे इंशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तोड़ जाके घर देवांगे ताकि उन्होंने, हाँ जी घर जाके पहुंचावांगे, बच्चियां रोजे रखे होंदे ने मतलब नहीं आ पांदियां ये डब्बे जाके देवांगे इंशाल्लाह। हाँ जी दरवाजे जाके पहुंचा के आवांगे इंशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, तकलीफ होंगी बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। और तुसी विलाग जेड़ा है ना रात 8 बजे वाला वाच मुकम्मल करना है और बिल्कुल मिस नहीं करना है, बार बार तुहानू कह रहे हैं क्योंकि ये तैयारी का है और माशाल्लाह वो अफतारी का होगा, यानी कि एक जोड़ी जोड़ गया ए तैयारी का अफतारी का, क्या बात है माशाल्लाह। और बहुत ही मतलब है ना मुकम्मल वाच करने वाला विलाग होगा क्योंकि मुकम्मल फैमिली का होगा और माशाल्लाह अंदर इंतजाम किया है सारे इंतजाम का होगा माशाल्लाह, तुसी मिस नहीं करना और फुल वाच करना है इंशाल्लाह, थैंक यू। और माशाल्लाह साड़ी दुकान की सिचुएशन देखो माशाल्लाह, सिर्फ बोतलां कम है ने, अज रात में जाके लेके आनियां ने, कह रहे से 10,000 पूरे दी लेके आनी, 10,000 बोतलां दे यानी कि अलग पिया जिहड़ा, बाकी माशाल्लाह हाँ बोतलां दे अलग है ने, यानी कि बोतलां दे पैसे असीं मुकम्मल परचेज कर ले होए ने ते मुनाफे च पईआं हैगीआं ने, बाकी उधार भी हैगीआं ने 4-5 बोतलां उह भी सानूं, क्योंकि असीं सारे चीज़ लिखने रखने पैसे अलग अलग डब्बियां च तां सानूं पता हुंदा वी इस चीज़ दे आए ने पैसे इस चीज़ दे नहीं आए हैगे ने, बाकी चौलां दे
इस बार मैं गिने नहीं है, मैंने पता भी थोड़े जे पैसे पे है क्योंकि चौलों के पैसे चौल इतने सेल कोई नहीं होए है, चीनी सेल हो जाते पे ने। हाँ इस तरीके ये चीज़ा पई है, घी के पैसे गने पे ने, घी थोड़ा सेल हो पता नहीं को मिक्स पैसे हो गए ने, मैं देखे सी तीन दिन होंगे पे ने घी उस। हाँ राइट हो गया बेगम बिलकुल, वह भी हो सकती ना बिलकुल, पकौड़े समोसे लगता रहा इस तरह ही है, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह क्यों नहीं। हाँ इस तरीके अलग अलग हिसाब होगा ना फिर इंशाल्लाह असी भूलांगे नहीं, और सानू पता होगा भी इस कारोबार ज्यादा प्रॉफिट है, बोतलों ज्यादा प्रॉफिट है या चीनी चू या चौलों चू या मतलब बिस्किट वगैरह चू बचत हैगी। तो यह हाले तक असं 2 महीने का टाइम रखे भी 2 महीने दे देखना जिस चीज़ ज़्यादा बचत हुई वो असं शार्ट नहीं होने देनी है इंशाल्लाह। और जी हसन तो अमीन भाई लैन गए ने समान तो आँदे उन्हें काम शुरू कर देना है, तो यह वाला विलाग इतने खत्म करिए क्योंकि मैं नाल बिजी हो जाना है, नाल विलाग भी बनाना तो नाल नाल अमीन भाई नू काम भी करवाना है, तो तुम ये वाला जिहड़ा विलॉग रात को 8 बजे आना मिस नहीं करना है, मुकम्मल वाच करना है। और बाकी जी ऐशा बेटी ने तमाम सफाई कर दी हैगी और पंखे चला दते हैं क्योंकि गर्मी हुण बहुत ज़्यादा हैगी। बाकी साडे स्टेपलेजर जिहड़ा दूसरा हैगा सी इस फ्रिज का उन्होंने मसला बन गया, तो यह पुराना स्टेपलेजर लाया हैगा तो देखो ये भी काम कर रहा है, बर्फ बुरफ जमाई हुई इन्हें, यह बोतल कोई लीक हुई है तो उनकी बर्फ बिच बनी भी हैगी, सफाई करने वाली फ्रिज की हैगी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी बोतल पानी दी ज़्यादा रखी ने क्योंकि हुण गर्मी हैगी तो बच्चे फिर पीते है जो छोटे बच्चे रोज़ा नहीं रखते। और माशाल्लाह मेरी परियां दी तैयारी शुरू हो रही है, सुनैन दी भी आ शर्ट हैगी और हसन बेटे दा कुर्ता ये जिहड़ा इस्त्री होया पिया हैगा, और ऐशा फातिमा दे जिहड़े ने कपड़े वह भी, और नूर फातिमा दे भी, परीक्षा दे भी, ईमान फातिमा दे भी सारे, तो और इन्हां दे ये वाले जिहड़ा मेकअप का समान है ये भी निकलिया पिया हैगा सारियां बच्चियां दा माशाल्लाह मेरी परियां दा, ते ये फिर कपड़े पा के फिर मेकअप करनगे थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को, मैं उदो बड़ी खुशी होंगी जो एक दूसरे का मेकअप कर दी ना बैठ के छोटी छोटी, मैं बड़ा हसना कोल आके बैठ जाना, मैं इन्हों का मजाक बनाना, ये फिर मैं ना कुटदियां ने प्यार ना थोड़ा थोड़ा आदि पापा तू मजाक क्यों साडा बना रहा है। बाकी ठीक है जी इत्थे ये वाला विलाग खत्म करने हैं, तो इंशाल्लाह अगले नवे विलाग दे विच खुशियां भरे विलाग दे विच और अफतारी वाले विलाग दे विच मुलाकात होगी। तमाम भैणा भाई की इजाजत चाहते हैं इंशाल्लाह, और इजाजत तो पहले छोटी जी रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल वाच करें जे ए वाली भी और रात 8 बजे वाली भी मुकम्मल वाच करें, जिन्हें चैनल नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर करें जे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, अपना ढेर सारा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना, थैंक यू।